Bismillahir Rahman Raheem. Assalamu Alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Johotown. Today we are going to discuss introduction to fundamental concepts of chemistry. So let's get started with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन टू एच फोर तो परसेंटेज निकालने का तरीका जो है वो हमें पता होना चाहिए मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें पेपर में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर जो ऑप्शंस के दरमियान में परसेंटेज का गैप होता है वो सिग्निफिकेंट इनफ होता है आपको जज करने के लिए कि परसेंटेज किस रीजन में किस रेंज में फॉल कर रही है फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम परसेंटेज का फार्मूला लिखें तो परसेंटेज का फार्मूला होता है मैस ऑफ एलिमेंट यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के दो एटम हैं उनका मैस ट्वेंटी होगा ओवर मैस ऑफ कंपाउंड नाइट्रोजन 28 और हाइड्रोजन 4 32 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे अच्छा अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लगाएंगे जस्ट अज्यूम आई बिलीव कि ये 32 नहीं है इट इज़ थर्टी और जब मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30 रखकर वैल्यू निकालता हूँ तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू थ्री एट जार ट्वेंटी फोर यानी कि आठ का डिजिट या थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन थर्टी यहाँ पर अगर आप पॉइंट नाइन कर दें तो यहाँ पर वन हो तो ये पॉइंट नाइन के करीब वैल्यू आ सकती है तो पॉइंट नाइन के करीब जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा सही वैल्यू होगी और वो वैल्यू तकरीबन एटी सेवन परसेंट बन रही है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप फिगर को जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उस तक आप राउंड ऑफ कर देते हैं थर्टी टू से कैलकुलेशन आल दो हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर थर्टी टू से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूँ तो 28 और 32 पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो आ जाएगा और फिर आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 थ्रीज़ आर ट्वेंटी तो ये अराउंड 256 आएगा आप देख सकते हैं कि पॉइंट एट फैक्टर जो है वो यहाँ पर आ रहा है और पॉइंट एट को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स अराउंड ग्रेटर देन एटी परसेंट 80%, तो 80 से ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है कैलकुलेशन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और ना हमसे के के like आप देख सकते हैं कि पहले डिजिट से ही अंदाजा हो रहा है कि एटी परसेंट प्लस जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा तो एल्फा ऑप्शन यहां पर सही हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आयोनिक स्पीशी वर्ड आयोनिक स्पीशी यहाँ पर अहम है। When expressed in grams is known as, तो अगर आयोनिक स्पीशी के मैस को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे कह देंगे कि ये डेल्टा ऑप्शन है आयोनिक मैस जो है वो हो जाएगा क्लियर हो गई जी बात मैस अगर आप आयोनिक स्पीशी का जो है वो आप उसे ग्राम आइन या मोलर मैस उसे कह सकते हैं और ये उसका आयोनिक मैस भी होता है अच्छा थर्ड ऑप्शन देख लें थर्ड क्वेश्चन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन टेन ग्राम ऑफ कैल्शियम अच्छा नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालने होंगे तो फार्मूला हमारे पास जो चल रहा है वो होगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवो गड्रोज नंबर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है तो अगर हम यहां पर जवाब निकालते हैं यू गेट uh, 0.25 यानी कि 1 ओवर इन टू एवोगैड्रोज नंबर एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये वन पॉइंट फाइव के अराउंड जवाब आ रहा है जो कि हमारे पास ऑप्शन में डेल्टा ऑप्शन बन रहा है अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखें विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट अल्फा ऑप्शन इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होता है डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है बीटा ऑप्शन इट प्रोड्यूसेस लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट करेक्ट बिल्कुल सही है चार्ली ऑप्शन इट ऑफर्स लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर रिएक्शन डेफिनेटली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए थे रिएक्शन के अंदर इसीलिए वो रिएक्शन के अंदर जो है वो लिमिटिंग हो गया वो खत्म हो गया ऑफर्स लेसर नंबर ऑफ फॉर रिएक्शन रिएक्शन का मतलब है कि ओवरऑल में उसके जो मॉलिक्यूल्स की कंट्रीब्यूशन थी वो कम होने की वजह से वो रिएक्शन में खत्म हो गया है और डेल्टा ऑप्शन इट इज फाउंड इन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है जी नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं करता रिवर्सिबल रिएक्शन से तो फोर्थ में डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो गया फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं मैस ऑफ ए फार्मूला यूनिट ऑफ एन ए सी एल एन ए सी एल का अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट होगा तो फार्मूला यूनिट का जो मैस होगा उसे आप कहेंगे कि फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ए एम यू होता है और ए एम यू वाला ऐसा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि 58.5 एट पॉइंट फाइव इन टू वन पॉइंट सिक्स ट्वेंटी ए एम यू की वैल्यू है जब ए एम यू नहीं दिया हुआ तो एम यू की वैल्यू वाला आंसर हम सही कर देंगे डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं दी वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल ऑफ गैस एट एस टी पी इस सवाल को हल करने के लिए हम कंपेरिजन बनाएंगे हम कंपेरिजन बनाएंगे मोल्स का और वॉल्यूम का एट एस हम जानते हैं कि अगर किसी गैस का एक मोल एस पर पड़ा हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब या फिर आप कह सकते हैं वन मोल का वॉल्यूम होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब सही हो गई जी बात अब हमारे पास कितने मोल हैं 0.001 यानी कि मैंने लेफ्ट साइड पर 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.001 आ गया राइट साइड पर भी थाउजेंड से डिवाइड किया 0.001 0.001 आ गया तो मोल जो हैं उनके अंदर वॉल्यूम हो जाएगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब और ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है चार्ली ऑप्शन में 22.414 सेंटीमीटर क्यूब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैल फार्मूला C3H3O एंड मालिकुलर मैस 110 ग्राम पर मोल तो मॉलिकुलर फार्मूला अगर आपको निकालना पड़ जाए आप फार्मूला लिखेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला जो होता है इसे निकालने के लिए एन और एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए होते हैं और एन जो होता है ये बराबर होता है मॉलिक्युलर फार्मूला मैस जो 110 है डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मैस तीन कार्बन है ट्वेल्व थ्रीज आर थर्टी सिक्स और हाइड्रोजन कार्बन का यहाँ पर मैस तीन कार्बन का थर्टी नाइन तीन हाइड्रोजन का थ्री ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो ये मैस जो है ना फिफ्टी फाइव बनता है तो एम्पेरिकल तो तो फार्मूला मैस फिफ्टी फाइव आ गया मालिकुलर फार्मूला मैस वन टेन है तो यहाँ से एन की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो टू है इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो टू इन एम्पेरिकल तो फार्मूला ये आ जाता है मालिकुलर फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच सिक्स ओ टू बन जाता है जो कि सही ऑप्शन है बीटा यहाँ पर सही हो गया एट्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिक्रीज इन थ्योरेटिकल य्योरेटिकल यील्ड जब एक्चुअली आप कोई प्रोडक्ट हम सोचते हैं एक रिएक्शन करवाया गया है तो थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड होती है और रिएक्शन के अंदर उस यील्ड में कमी आती है जब एक्चुअली रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो रिएक्शन के अंदर जो यील्ड है वो कम कैसे हो जाती है वो कम हो सकती है क्या फास्टर रिएक्शन से रिएक्शन की यील्ड कम हो जाएगी जी नहीं रिएक्शन की यील्ड जो है वो फास्टर रिएक्शन से कम नहीं होती बीता ऑप्शन क्या हीट लॉस से जो है वो यील्ड कम होती है नहीं हमने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी डेल्टा ऑप्शन इर रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्शन रिवर्स में आना शुरू सिर्फ डायरेक्ट जा रहा है वापस नहीं आ रहा तो क्या इससे यील्ड कम होती है जी नहीं हमने सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि जो यील्ड है थोरेटिकल यील्ड एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो कम हो सकती है वो कम हो सकती है किस वजह से मैकेनिकल लॉस की वजह से इनएक्सपीरियंसड वर्कर की वजह से कंपीटिंग रिएक्शन की वजह से या साइड रिएक्शन की वजह से तो चार्ली ऑप्शन जो है वो है साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जो हमने थेरेटिकल यील्ड सोची थी उसमें एक्चुअली कमी आनी शुरू हो गई है एट्थ ऑप्शन एट क्वेश्चन में चार्ली ऑप्शन सही हो गया नाइन्थ क्वेश्चन देखें द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन फोर्टी नाइन ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला जब भी आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने हों तो एक ही है और वो फार्मूला ये है कि आपने मैस ओवर मोलर मोलरमेस मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोज नंबर करना होता है यहां से आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो आपने निकालने हैं फॉर एग्जांपल सल्फ़र निकालना है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में वन है इसलिए मैंने वन से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हाइड्रोजन निकालने होते मैं टू से मल्टीप्लाई करता क्योंकि हाइड्रोजन टू हैं सल्फ्यूरिक एसिड में और ऑक्सीजन निकालने होते तो ऑक्सीजन के लिए मैं फ़ोर से मल्टीप्लाई करता क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन चार हैं अच्छा अब यहाँ से जो जवाब आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये आंसर जब आप निकालते हैं तो ये आता है वन टू वन थ्री पॉइंट जीरो और ये ऑप्शन मुझे डेल्टा में नजर आ रहा है टेंथ क्वेश्चन देखते हैं विच फॉर्मूला शोज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मैस इस क्वेश्चन को डालने का मकसद हमारा ये था कि अगेन हम इस बात को आपको क्लियर कर दें कि एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पूछ रहा एग्जामिनर की आपसे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में क्वेश्चन है याद रखना है कि जब भी जिस एटम की परसेंटेज आपको पूछी गई है उसके मुकाबले में जो बाकी एटम्स हैं अगर वो हैवियर होंगे भारी होंगे ज्यादा मैस वाले होंगे तो नाइट्रोजन की फॉर एग्जांपल इस केस में तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होती जाएगी फॉर एग्जांपल बीटा ऑप्शन को अगर मैं क्वेश्चन नंबर टेन में डिस्कस करता हूं तो बीटा ऑप्शन में दो नाइट्रोजन ट्वेंटी एट और तीन ऑक्सीजन जो कि फोर्टी एट मैस रखते हैं तो नीचे वाला मैस फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी एट ये तकरीबन बन जाता है 76. सिक्स नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है इसी तरीके से चार्ली ऑप्शन में दो ऑक्सीजन एटम हैं उनका मैस भी डेफिनेटली ज्यादा होगा ऑक्सीजन हैवी रखता है डेल्टा ऑप्शन में भी ऑक्सीजन और पांच हाइड्रोजन हैं ऑक्सीजन और पांच हाइड्रोजन जिस तरह मैंने ये बीटा ऑप्शन के लिए लिखा इसी तरीके से मैं चार्ली ऑप्शन के लिए भी लिख लेता हूँ नाइट्रोजन फोर्टीन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन देखें सिक्सटीन टू ये तकरीबन फोर्टी सिक्स बन गया अच्छा डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो ये बनता है फोर्टीन नाइट्रोजन uh, 14 और डिवाइडेड बाय देखें ऑक्सीजन सिक्सटीन और 14 थर्टी या थर्टी फाइव बन गया इसके मुकाबले में अल्फा ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन फोर्टीन टोटल सेवनटीन बिल्कुल क्लियर है हमें कि 14 ओवर सेवनटीन का आंसर डेफिनेटली बड़ा आना चाहिए फोर्टीन ओवर थर्टी फाइव या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्टीन ओवर फोर्टी सिक्स से बड़ा आना चाहिए तो ये जो वैल्यू है ना जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी आएगी ये हम याद रख सकते हैं और इसकी एक आसान सी इंडिकेशन हमने ये बताई मेजॉरिटी केसेस में काम करती है कि अगर डिनोमिनेटर के लिए आपके जो काउंटर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो ऑक्सीजन है या वो हैवियर एटम्स हैं लाइक सोडियम लगा है कैल्शियम लगा है तो फिर जो है ना वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस वो कम होती जाएगी तो एल्फा ऑप्शन अमोनिया यहाँ पर सही हो गया 11th क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे अब्सॉर्ब होती है चार्ली ऑप्शन जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन है फॉर 12th क्वेश्चन देखें इंटरेस्टिंग सवाल है एचसीएल व्हेन एडेड टू वाटर प्रोड्यूसेस एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव आयंस इफ 1 मोल ऑफ एचसीएल वेज 36.5 ग्राम विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दोलरमेज लिखता है इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल का ओरिजिन जो है ना वो आपको मिसगाइड कर रहा है इट सेज एच सी एल जो है उसे पानी में डालते हैं तो आयोनाइज हो जाता है और इसकी आयोनाइजेशन से एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव बनते हैं अच्छा इसका जो मैस है मोलर मैस वो 36.5 है अब बताएं कि ये मोलर मैस के लिए बेस्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी तो यहाँ पर आयोनाइज होने से हमें ये फीलिंग आती है कि शायद ये कोई आयोनिक कंपाउंड है जो आयोनाइज होता है लेकिन एक्चुअली ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि एच जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड होता है जो कि पानी में आयोनाइज हो जाता है लाइक एनी अदर एसिड तो कंपाउंड का जो मैस होता है उसे आप मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स कहते हैं आयोनिक मैस कुछ लोगों ने यहाँ पर यह फॉर्मूला मैस टिक किया होगा जो कि सही नहीं है सही जवाब है अल्फा ऑप्शन मॉलिक्युलर मैस इन ग्राम्स। तो इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर सवाल पूछना ये एग्जामिनर का एक तरीका रहा है उसी को हमने यहां पर प्रैक्टिस किया ताकि आपको यह आइडिया क्लियर करवाया जा सके 12 12 This mass of 1 over 12 of 12 आउट टू बी तो कार्बन का जो 12 ऑफ कार्बन 12, 12 है उसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं ए एम यू कहते हैं और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखी 1.661 10 to power minus 24 gram. तो इसे कहते हैं जी बीटा 1 AMU. 14th question देखते हैं जी 1 देखते 2.24 सवाल जो है ये हम चाह रहा है हमसे हम एक comparison बना लें और comparison गिवन और required के दरमियान में होता है known और unknown के दरमियान में होता है known है मुझे यहाँ पर volume और unknown है मुझे यहाँ पर उसका mass तो पहले मैं स्टैंडर्ड स्ट्राइक्योमीटरी या मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन को देखता हूँ मुझे पता लगता है कि अगर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसी मीटर क्यूब हो नाइट्रोजन के तो उनका मोल कितने हो जाएंगे वन और नाइट्रोजन के वन मोल का मैस कितना होता है ट्वेंटी एट ग्राम होता है अब ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसी मीटर क्यूब के अगर मैंने बनाने हैं टू पॉइंट टू फोर डेसी मीटर क्यूब तो पहले मैं यहाँ पर अगर टेन से डिवाइड कर दूँ ये भी रास्ता है या फिर आप यूनिटी मेथड पूरा भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्ट डिवाइड किया था यहाँ पर मैं कंप्लीट मेथड लिख देता हूँ पहले आप 22.4 को सामने ले जाएंगे यहाँ पर रह जाएगा वन डेसीमीटर क्यूब इट विल बी 28 एट ओवर ट्वेंटी और अगर मैं यहाँ पर 2.24 से यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड पर जो आप प्रोसेस या स्टेप करेंगे राइट right साइड पर भी मैथमेटिकल इक्वेशन में वही चीज़ करनी होती है ये हो जाएगा वन टेन और यहाँ से आंसर आएगा टू पॉइंट एट ग्राम तो नाइट्रोजन के टू पॉइंट टू फोर डेसीमीटर क्यूब का जो मैस होगा इट विल बी बीटा ऑप्शन टू पॉइंट एट ग्राम फिफ्टीन क्वेश्चन देखें हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ वन मोल ऑफ ब्यूटेन अच्छा ब्यूटेन हमें पहले लिख लेनी चाहिए ब्यूटेन जो है वो सी फोर एच टेन होती है सी फोर एच टेन को अगर मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूँ तो यहाँ से बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चार कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और साथ पांच वाटर मालिक्यूल बनते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने ये वैल्यूज लगा दी यहाँ से मुझे पता लगता है कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो इस इक्वेशन में फोर टू जार एट और फाइव थर्टीन ऑक्सीजन एटम्स हैं और थर्टीन ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए होंगे सिक्स पॉइंट फाइव 13 हो जाएगा, तो जाएगा पॉइंट 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मेरे पास होंगे तो मैं के एक को कर सकूंगा. यहां पर हमने बनाई है, है चार कार्बन है चार कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दस है इसलिए पांच वाटर तो सीधी है इस तरह की स्ट्रेट इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली पूछी जा सकती है तो अल्फा ऑप्शन right देखते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सिक्सटीन ग्राम ऑफ मीथेन रेशियो ऑफ वॉल्यूम है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि दो मोल्स हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है और सिक्सटीन ग्राम मीथेन का वॉल्यूम कितना है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब तो दो मोल हाइड्रोजन जो हैं उनका वॉल्यूम हो जाएगा डबल यानी के 44.8 डेसीमीटर क्यूब अच्छा मीथेन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा मीथेन का वॉल्यूम निकलेगा मीथेन का मैस है 16 ग्राम मीथेन का मोलर मैस है 16 ग्राम यानी कि मीथेन के मोल कितने हो गए फिर वन मोल हो गए और वन मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वी हैव वॉल्यूम ऑफ मीथेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब, एट डेसी वॉल्यूम क्यूब वाइल ऑफ मीथेन इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई सॉल्व uh, कर लें तो यहाँ टू बचता है यहाँ वन बचता है तो क्या वैल्यू आ गई हाइड्रोजन और मीथेन के रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स डेल्टा ऑप्शन टू रेशो वन बन गई सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं द मैस ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड सिक्सटीन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया था कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर दो वाटर मालिक्यूल जो है वो बनाते हैं ये है जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अच्छा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढने का तरीका है वो ये है कि आपको जो गिवन मैस दिया हुआ है हाइड्रोजन का उसे आप ऊपर लिख दें और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो महस आ रहा है उसे नीचे लिख दें इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो गिवन महस है यानी कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन ग्राम है और ऑक्सीजन का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से महस आ रहा है उसे नीचे रख दें जवाब क्या आ रहे हैं यहां से आ रहा है ये रेशो आ गई यहां से जवाब आ रहा है वन ओवर टू यहां से जवाब आ रहा है वन ओवर टू दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है लेकिन अगर दोनों जवाब सेम ना आए तो फिर जो वैल्यू कम होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है और उसी से आप प्रोडक्ट प्रिडिक करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए इसका मतलब है चाहे आप हाइड्रोजन से वाटर की कैलकुलेशन कर लें चाहे ऑक्सीजन से वाटर की कैलकुलेशन कर लें एक ही बात है तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हाइड्रोजन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन के तरीके में आपने वक्त जो है वो बचाने की कोशिश नहीं करनी हमेशा पूरा टाइम लगाना है कैलकुलेशन करने के लिए तो आप कहेंगे वी हैव मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड वी वांट मैस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास फोर ग्राम दो मोल का मतलब है फोर ग्राम हाइड्रोजन हो तो दे फॉर्म थर्टी सिक्स ग्राम वाटर अगर फोर सामने ले जाएंगे तो वन ग्राम हाइड्रोजन विल मेक थर्टी सिक्स ओवर फोर ग्राम वाटर और अगर टू ग्राम हाइड्रोजन है जैसा कि सवाल में पूछा गया है तो लेफ्ट साइड पर अगर टू से मल्टीप्लाई किया गया है राइट right साइड पर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू गेट एटीन ग्राम्स सो बीटा विल बी द राइट आंसर हेयर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का स्टेप जो है ये हमने इजाफी किया हालांकि प्रैक्टिस के साथ आपको अंदाजा हो जाता है कि दोनों चीजें बराबर मिकदार में हैं लेकिन डो नॉट मिस दिस बहुत एक जन हार्डली टेन सेकेंड्स का काम है ये तो दोनों बराबर इसका मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो उसके बाद आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं एटीन क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ नियॉन अच्छा कोई भी एक सब स्पीशी निकालने के लिए हमने कहा था कि फार्मूला होता है फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस ओवर मोलर मोलरमेस इनटू एवोगेड्रोज नंबर अच्छा यहां पर क्या फार्मूला है यहां पर मोल्स जो है वो दिए गए हैं तो फार्मूला नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय द स्पीशी विच वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियॉन ग्रुप एट का मेंबर है जिसे नोबल गैसेस भी कहते हैं एटीन ग्रुप बी से कहा जाता है तो इसके वैलेंस सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन आठ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फार्मूला बना वो है मैस ओवर मोलर मैस जिसे मोल्स भी कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी चीज़ आपने निकालनी है पिछली बारी हमने सल्फर निकालना था सल्फर की तादाद थी सल्फ्यूरिक एसिड में वन अब हमने नी में वेलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है आठ तो वन अगर ना भी लिखा हो तो भी कोई मसला नहीं बीटा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ नी आर बीटा ऑप्शन एट into avogadros नंबर। 19 देखते हैं इफ टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सिडाइज्ड टू सल्फर ट्रायऑक्साइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर मैं लिखूँ सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्रायऑक्साइड बनाने की तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्रायऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड uh, बन जाता है एंड इन दिस प्रोसेस दो मोल सल्फर डाइऑक्साइड के जब दो मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होते हैं दे कंज्यूम ओनली वन मोल ऑफ ऑक्सीजन और यहां पर फिर सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ली वन मोल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हर एक के अंदर दो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का मैच तो यहाँ पर हर जगह सेम ही है लेकिन फिर चेंज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है बाकी सब एटम्स का मैस और जैसा कि मैंने अपनी पिछली एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन के हिसाब से बात की थी कि जैसे जैसे, जैसे जो बाकी एटम्स हैं कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका मैस बढ़ेगा वैसे वैसे जो इंटरेस्ट है हमारा जो ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन जिसकी भी बात हो रही है उसकी जो परसेंटेज है वो उसी हिसाब से कम होती जाएगी तो यहाँ पर सबसे कम जो मैस हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम्स का वो फार्मिक एसिड में नज़र आ रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन का मैस है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का मैस है थर्टी टू जबकि बाकी एटम्स का मैस सिर्फ फोर्टीन ऐड कर रहा है कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन दो हैं फोर्टीन हो गया थर्टी टू ओवर फोर्टीन ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसके अलावा अगर आप एसिडिक एसिड acid को देखें उसमें कार्बन का मैस एड हो रहा है प्रोपेनोइक एसिड में फर्दर दो कार्बन है ती, टोटल तीन कार्बन है तो उसमें भी बहुत ज्यादा मैज होगा और इसी तरीके से डेल्टा ऑप्शन में भी कार्बन ज्यादा होने की वजह से जो मैज है वो ज्यादा हो जाएगा किन एटम्स का जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में टोटल मैस होता है तो टोटल मैस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाएगी तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर इज चार्ली ऑप्शन फॉर्मिक एसिड ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला इज दी ओनली फार्मूला यूज्ड फॉर एक कोवलेंट कंपाउंड है ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है तो यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम मालिकुलर फार्मूला भी लिख सकते हैं लेकिन चार्ली ऑप्शन सोडियम क्लोराइड एक प्योरली आयोनिक कंपाउंड है एंड आयोनिक कंपाउंड आर एक्सप्रेस ओनली बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इन मीथेन तो कार्बन का मैस हम यहां पर अगर मेंशन करें मीथेन लिख देते हैं मीथेन में एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एक कार्बन का मैस कितना होता है एक कार्बन का मैस होता है ट्वेल्व ग्राम और चार मोल अगर हाइड्रोजन के होंगे तो उनका मैस फोर ग्राम होगा तो ये रेशो अराउंड थ्री रेशो वन बनती है फोर वन फोर फोर थ्रील्व तो इस तरह ये रेशो जो है वो हमारे पास बन रही है डेल्टा ऑप्शन थ्री रेशो वन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ मालिक्यूल फाइव ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड आर अच्छा कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है मैस हमें गिवन है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मोलर मैस आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन 48 हाइड्रोजन दो फिफ्टी हो जाएगा कार्बन ट्वेल्व सिक्सटी हो जाएगा और मल्टीप्लाइड हमने करना है एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 पॉइंट जीरो टू टेन डेज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री वन फोर वन वन पॉइंट फाइव फाइव टेन डेज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री यहां पर सही आंसर आ रहा है और अगेन फॉर्मूला क्या है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवो नंबर सो राइट आंसर हेयर इज चार्ली ऑप्शन वन पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी एटम्स एटम्स आर देयर इन वन ऑफ वाटर तो अब एटम्स वाला या कोई सब स्पीशी एक तो मालिक्यूल निकालने होते हैं ना मालिक्यूल्स के अलावा अगर कोई चीज निकालनी हो तो फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मैस ओवर मोलर मैस इन टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई जो भी चीज आपने निकालनी है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैस ओवर मोलर मैस की जगह मोल्स दिए हुए हैं वन मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाइड बाय टोटल पूछे गए हैं तो वाटर के एक मालिक्यूल में टोटल एटम्स होते हैं तीन तो तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा सही जवाब आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन थ्री इन एवोगैड्रोज नंबर ट्वेंटी फाइव देख लें टू पॉइंट टू फोर क्यूब ऑफ एसओ टू एट एस टी पी वेज अच्छा अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन मेथड आ गया हमें गिवन क्या है हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ़ सल्फर डाइऑक्साइड और हमें रिक्वायर्ड क्या है हमें रिक्वायर्ड है मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की जाए तो वॉल्यूम अगर सल्फर डाइऑक्साइड का 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो फिर मोल कितने होंगे एक मोल होगा और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोल होता है 64 ग्राम वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सल्फर 32 ऑक्सीजन 32 टोटल 64 अब हमें क्या पूछा गया टू पॉइंट डेसीमीटर क्यूब अगर मैं यहां पर 2.24 पॉइंट डेसीमीटर क्यूब को सामने ले जाऊंगा वो डिवाइड हो जाएगा वो भी तरीका मौजूद है या फिर अगर आप सिंपल बल्कि वही कर लेते हैं क्योंकि आप हमेशा थोड़ा सा मैथ बायो वाले लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो पहले मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं 22.4 लेफ्ट साइड पर ले गया मैं और फिर मैंने लेफ्ट साइड पर 2.24 जो गिवन डाटा है उससे मल्टीप्लाई किया और जो भी एक्शन हम मैथ के अंदर इक्वेशन के एक साइड पर करते हैं वही दूसरी साइड पर करते हैं तो वन टेन एंड यू गेट 6.4 ग्राम तो 6.4 ग्राम आ जाता है यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया बीटा ट्वेंटी क्वेश्चन में ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है ट्वेल्व ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मोलर मैस देख लें ट्वेंटी फोर तो ये हाफ मोल बन रहा है सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन यानी कि मोलर मास ट्वेल्व है तो ये हाफ मोल बन रहा है और ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ आयरन इसका मोलर मेस फिफ्टी सिक्स होता है तो ये भी हाफ मोल बन रहा है तो ट्वेल्व ग्राम मैग्नीशियम हाफ मोल है सिक्स ग्राम कार्बन हाफ मोल है ट्वेंटी एट ग्राम आयरन हाफ मोल है तो हाफ मोल होगा तो उसमें एटम्स कितने होंगे एक मोल के अंदर कितने एवोकेट्रोज नंबर तो हाफ मोल कितने कितने होंगे हाफ हो जाएंगे यानी कि डेल्टा ऑप्शन थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन इज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री आइटम्स इच तो हाफ हो गया हाफ एक मोल में सिक्स पॉइंट जीरो टू हाफ मोल में थ्री पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री और अगर वन ओवर फोर हो तो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पार्ट ट्वेंटी तो ये जनरल कैलकुलेशन ना एक मोल के में कितने एटम है आधे मोल में कितने एटम वन बाई फोर मोल में कितने एटम है ये आपको जनरली वैसे ही पता होने चाहिए ताकि आप पेपर में इस स्टेप पर ज्यादा टाइम जाया ना करें ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है वट इज द मैस ऑफ एलुमिनियम इन वन जीरो टू ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड अच्छा अब यहाँ पर फिर गिवन और रिक्वायर्ड वाली बात आ गई है ट्वेंटी सेवन में हमें गिवन क्या है मेस ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड और रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायर्ड है मैस ऑफ एलुमिनियम सही है जी रिलेशन बना लिया हमने स्टाइक्योमीट्री की बेस पर एलुमिनियम ऑक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो एलुमिनियम जो होता है इसका मैस होता है 27 सेवन एक एलुमिनियम का दो एलुमिनियम का मैस हो जाएगा 27 सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन तो मैं यहाँ पे एलुमिनियम ऑक्साइड का मैस निकाल देता हूँ आपके लिए एलुमिनियम का मैस होगा टू इंटू और ऑक्सीजन का मैस होगा थ्री इंटू ये आ रहा है फोर्टी ये आ रहा है 54 तो इट वेज वन जीरो पर एलुमिनियम ऑक्साइड का मैस है हमें उसमें एलुमिनियम का मैस पूछा गया है वो तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि वो होता है 54 ग्राम तो बड़ा ही आसान सवाल यहाँ मिला हमें कि 104 ग्राम के अंदर 102 ग्राम एलुमिनियम ऑक्साइड में एलुमिनियम कितना होता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आया फिफ्टी ग्राम चार्ली ऑप्शन ट्वेंटी अ पीस ऑफ वुड

An like this, से बन रहे हैं मैग्नीशियम प्लस टू और इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैंशियम हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं फॉर्म्यूला हम लिखेंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम जो के गिवन है डिवाइडेड बाई मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम जो के हमें पता है इन टू एवोगेड्रोज नंबर और इन टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं सही है जनाब तो यहाँ से बन जाएगा ट्वेंटी फोर वन टू तो ये आ जाएगा टू इन टू नंबर इंटू टू या फोर एन ए मोल चार मोल बन रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो फार्मूला यूज किया है वो स्टैंडर्ड फार्मूला ही यूज किया है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए थे तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया ऑल दो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं वो मोल्स दिए गए हैं तो फोर एवोगैड्रोज नंबर का मतलब फिर डेफिनेटली फोर मोल्स ही बनता है और यहाँ से हम जवाब डेल्टा ऑप्शन भी लिख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन एक्सटेंडेड तरीके से इसलिए की है कि मैं हर स्टेप पर अगर डिफरेंट कैलकुलेशन करता हूँ तो आपको ऐसे लग सकता है कि शायद देर आर मल्टीपल वेज जो हर बार हमें यूज़ करने हैं ऐसा नहीं है जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ आइंस या समथिंग लाइक दैट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स एटसेट्रा मालूम करने होते हैं तो फार्मूला क्या होता है मैस ओवर मोलर मैस जिसकी जगह मोल्स भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय जिस चीज की बात की गई हो तो अगर उसने वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दी होगी तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर होंगे होंगे तो जितने एवोगैड्रोस नंबर है उतने ही मोल होंगे थर्टीए क्वेश्चन है हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोग्रोज नंबर अच्छा अब एवोकेड्रोज नंबर तो यहां पर कांस्टेंट है तो फिर मोल्स ज्यादा किसके होंगे जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं उसके मोल्स ज्यादा हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ डेल्टा ऑप्शन थ्री तो पॉइंट ट्वेंटी थ्री सबसे बड़ी वैल्यू है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा डिनोमिनेटर सबका सेम है तो जिसकी न्यूमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगी उसका आंसर ज्यादा आ जाएगा थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मालिक्युलर फॉर्मूला शोज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स मालिक्युलर फार्मूला जो है ना वो एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स शो करती है लेकिन आयोनिक कंपाउंड या मेटल या जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड के लिए नहीं लिखा जाता मालिकुलर फार्मूला तो आमतौर पर एक मालिक्युलर कंपाउंड के लिए ही लिखा जाता है जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड के लिए तो हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं तो थर्टी वन में आंसर हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन थर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखें वन मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड वन मोल ऑफ मीथेन हैव इक्वल अच्छा वन मोल ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड आपके सामने है सी एच थ्री सी ओ ओओ एच और वन मोल ऑफ मीथेन सी एच फोर जब इन दोनों का एक एक मोल ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी एवोकेड्रोज नंबर ऑफ मालिक्यूज होंगे इसमें भी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मालिक्यूज होंगे तो इसमें हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने आप को परेशान नहीं होने देना हमें पता है कि वन मोल अगर डिफरेंट मालिक्यूल्स के हों तो उनमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मालिक्यूल ही होते हैं तो डेल्टा ऑप्शन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है बिला वजह हम यहाँ पर वैसे मैस पर भी टाइम जाए कर सकते हैं इसका मैस जो है एस्टिक एसिड का सिक्सटी होता है मीथेन का सिक्सटीन है यहाँ पर पांच ऐटम है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं तीन चार और आठ आइटम नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और मैसेज ये तो डिफरेंट ही है सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही यहां पर सेम हो सकते थे थर्टी थर्ड क्वेश्चन है मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बिलो मीथेन रिएक्शन कर रही है रिलेशन देख लें मीथेन एक हो तो हाइड्रोजन के तीन जो है वो मोल बनते हैं वट वॉल्यूम ऑफ़ हाइड्रोजन कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इस तरह के सवाल को डालने का मकसद ये है कि आपको ना एक नए अंदाज से सोचने का तरीका दिया जाए असल में ये जो रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है इस रिएक्शन के अंदर आपको तमाम तर जो स्पीशीज़ हैं वो गैशियस फॉर्म में नज़र आ रही हैं अगर कोई सारी स्पीशीज गैशियस फॉर्म में हो किसी रिएक्शन में या जिनके बारे में सवाल है एटलीस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीथेन और हाइड्रोजन के बारे में सवाल है अगर वो गैशियस फॉर्म में हैं तो जो उनकी मोल्स की रेशो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वही उनके वॉल्यूम्स की रेशो भी होगी फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें मोल्स की रेशो जो है मोल्स ऑफ मीथेन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रेशो ये मिल रही है कि अगर एक मीथेन होता है तो उससे तीन हाइड्रोजन बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो जो मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो होगी यानी कि अगर एक मोल से तीन मोल बन रहे हैं तो फिर 50 मोल से अगर लेफ्ट साइड पर 50 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 मोल से 150 मोल बनेंगे और 50 सेंटीमीटर क्यूब से 150 सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे सही है जनाब तो जो मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो है तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर 150 सेंटीमीटर क्यूब सही हो जाएगा ओनली फॉर दोज रिएक्शन जहाँ पर जो हमारी कंसर्न स्पीशीज हैं वो गैस की फॉर्म में होंगी थर्टी फोर्थ क्वेश्चन देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेज एवोगेड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगेड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए अल्फा ऑप्शन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ वैसे जो ऑप्शन जो है वो ए, बिल्कुल सही नहीं लग रहे उनकी अगर बात की जाए तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही नहीं लग रहा क्यों नहीं सही लग रहा मैं ऑप्शन हल कर देता हूँ हर एक को थोड़ा थोड़ा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल एल्फा ऑप्शन देखें ए, हीलियम का मैस है फोर हीलियम का मोलर मैस है फोर तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोल आ रहा है हीलियम के एटम्स का तो ये एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स बन रहे हैं एल्फा ऑप्शन तो सही लग रहा है बीटा ऑप्शन में देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है ओवर मोलर हैल्टीप्लाइड बाय एवोड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन मैग्नीशियम वो तो दो हैं तो यहाँ से टू एन ए जवाब आ जाएगा जो कि वन एन ए नहीं बन रहा चार्ली ऑप्शन देखिए मालिक्यूल इन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ क्लोराइड अच्छा मालिक्यूल्स हैं मालिक्यूल तो सी एल टू का होता है इस तरह जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो क्लोराइड है और क्लोराइड होती है इस तरह तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना भी चाहें ऑल दो क्लोराइड से क्लोरीन कैलकुलेट नहीं हो सकते क्योंकि ये आयन है और ये मालिक्यूल है लेकिन अगर कैलकुलेट करना भी होता तो क्लोराइड का मैस होता है 35.5 क्लोरीन पॉइंट मालिक्यूल का मैस होता है सेवेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई नंबर तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा था वो बन रहा था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाफ एन ए बन रहे हैं हाफ एन ए मालिक्यूल मैस जो गिवन है क्लोराइड का और जो चीज़ निकाल मोलर मैस क्लोरीन मालिक्यूल का वो 71 वन है ये भी सही नहीं हुआ डेल्टा ऑप्शन देखें कितना मैस है मैग्नीशियम का ट्वेल्व मोलर मैस कितना होता है ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाय एन ए करेंगे यहाँ से भी हाफ एन ए आ रहा है तो वी कैन सी दैट हीलियम का मैस ओवर मोलर मैस करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर तो हीलियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वन एन ए इसके मुकाबले में मैग्नीशियम में टू एन ए आ रहा है क्लोराइड में हाफ एन ए आ रहा है और मैग्नीशियम के ट्वेल्व एटम के ट्वेल्व ग्राम एटम्स के अंदर भी हाफ एन एटम्स वह बन रहे हैं तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम सिर्फ हीलियम में मौजूद हैं 34 के अंदर सही है अल्फा ऑप्शन हो गया थर्टी फाइव देख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मोल ऑफ ब्यूटेन तो बड़ा आसान कंपैरिजन है हम ब्यूटेन का फार्मूला लिख लेते हैं सी फोर एच टेन और उसमें हाइड्रोजन देख लेते हैं सी फोर एच टेन का अगर एक मोल हो तो उसमें टेन मोल जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं वेरी सिंपल चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया थर्टी सिक्स देखते हैं अच्छा पहले लिख लेनी चाहिए मुझे equation ये कहती है कि दो सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से मिलते हैं तो बनाते हैं दो मोल ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड दो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं अच्छा अब यहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मैस कितना होता है 64 फोर दो मोल का कितना होगा 128 128 तो मैं मेंशन कर लेता हूं कि अगर ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उससे सल्फर ट्राईऑक्साइड कितनी बनती है ये हमने नोट करना है वो नोट कर लेते हैं और हमें पता लगता है कि यहां पर सल्फर हो गया 64 इसका मैस निकाल लेना चाहिए ऑक्सीजन यहां पर हो गई ऑक्सीजन यहां पर है फोर्टी uh, एट 48. और 48 और सल्फर यहां पर कितनी है सल्फर है थर्टी टू ये दोनों को ऐड करेंगे यहां से मैस बनता है एटी एटी आ गया एक सल्फर ट्राई का मैस दो सल्फर ट्राई का मैस कितना होगा वो मैस हो जाएगा वन सिक्सटी ग्राम सो so, द गिवन डेटा जो उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है इट सजेस्ट्स दैट सल्फर डाइऑक्साइड के दो मोल जिनका मैस होता है 128 ग्राम जब वो रिएक्ट करके दो मोल सल्फर ट्राई बनाते हैं तो उनका मैस होना चाहिए 160 ग्राम अब देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है गिवन डाटा से रिएक्ट कर रहे हैं चलें जनाब इस बात को आगे लेकर चलते हैं यहाँ पर है 128 ग्राम उनसे बनते हैं 160 ग्राम इसे डिवाइडेड बाय टू कर दें अच्छा डिवाइडेड बाय टू वाला ना अगेन मैं फिर यही कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वट वी हैव इज मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वट वी वॉन्ट इज मैस ऑफ सल्फर ट्राई तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के होंगे दे शुड मेक 160 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राई अगर 1 ग्राम होगा तो इट विल मेक 160 सिक्सटी ओवर वन और अगर 64 ग्राम होंगे तो लेफ्ट साइड पर 64 किया है राइट right साइड पर भी 64 कर देंगे तो इट शुड मेक वन टू वन एटी तो इसे एटी ग्राम सल्फर टाइ ट्राई ऑक्साइड एसओ थ्री बनाना चाहिए अच्छा वन कितना रहा है सेवनटी टू सो एक्चुअल यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज सेवनटी टू ग्राम थियोरेटिकल यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज एटी ग्राम मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो हम यहाँ पर जीरो को जीरो से काटते हैं एट वन जार एट एट नाइन जार सेवनटी टू तो यहाँ पर नाइनटी परसेंट ईल्ड बन रही है क्वेश्चन को आपने देखा कि मैनी फोल्ड डीप इट वॉज तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उससे कितना मैस बनना चाहिए यानी कि यील्ड एक्चुअल यील्ड हमने ऊपर रखनी है यील्ड नीचे रखनी है राइट आंसर वुड बी डेल्टा नाइनटी परसेंट थर्टी सेवन देख लें क्वेश्चन मैस ऑफ क्लोरीन इन वन मोल ऑफ सी सी एल फोर बड़ा ही आसान कंपेरिजन है हमें लिख लेना चाहिए सी सी एल फोर जो है उसका मोल दिया हुआ है यानी कि मोल्स ऑफ सी सी एल फोर और रिक्वायर्ड क्या है मैस ऑफ सी एल हमें चाहिए है मोल्स एक हैं और इसके अंदर क्लोरीन का मोल कितने बन रहे हैं चार यानी कि चार बन रहे हैं क्लोरीन हर एक का मैस है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सो इट विल बी अराउंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू सी यस अल्फा ऑप्शन वन फोर्टी टू ग्राम हो गया तो मोल्स को मैस से रिलेट किया हर बारी जो मैं रिलेशन वाला सवाल कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखा करें क्योंकि इससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी थर्टी एट क्वेश्चन आ गया यूनिट यूज टू एक्सप्रेस मोलर मैस मोलर ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस होता है चार्ली ऑप्शन इजी क्वेश्चन इट वॉज थर्टी नाइन आ गया वन मोल ऑफ विच ऑफ दीज विल ऑक्यूपाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर क्यूब तो ये सवाल याद रख लें कि बता रहा है concept of molar volume is only applicable for gases water is a liquid एट रूम टेम्परेचर फार्मिक एसिड इज ए लिक्विड जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने देखा हुआ है और एथनॉल का 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपने जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखा है इन सब में से सिर्फ अल्फा ऑप्शन मीथेन एस टी पी रूम टेम्परेचर पर सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो मीथेन ही गैस होती है और गैसेज का वन मोल का वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसी क्यूब होता है 40th क्वेश्चन देख ले आयोडीन एग्जिस्ट्स एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक इंफॉर्मेशन दी गई है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन विल मेक अप एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन सवाल पूछ रहा है कि आयोडीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं तो आयोडीन I2 के आयोडीन जो मॉलिक्यूल है I2 उसके कितने मोल होंगे जिसमें एवोगेड्रोज नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स होंगे अच्छा यहां पर हमें कंपैरिजन जो है वो ये पूछा गया है कि आयोडीन और आई एटम्स अगर आयोडीन का एक मोल होता है तो उसमें आयोडीन एटम होते हैं दो सही है जनाब तो अगर आयोडीन के होंगे हाफ मोल तो उसमें आयोडीन कितनी होगी वन मोल वन मोल का मतलब एवोगेड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो आयोडीन एक के अंदर दो है हाफ के अंदर वन हो जाएंगे वेरी इजी चार्ली ऑप्शन जीरो पॉइंट फाइव मोल्स तो देखने में सवाल जो ना वो कई दफा काफी डिफिकल्ट फील होते हैं लेकिन एक्चुअल में उनमें एक सिंपल कंपैरिजन अगेन आई एम अगेन टॉकिंग टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन मेथड तो कंपेरिजन से आप आसानी जवाब जो है वो निकाल सकते हैं क्वेश्चन फोर्टी वन देखते हैं फोर ग्राम हाइड्रोजन रियक्स विद सेवेंटी वन ग्राम क्लोरिन टू फॉर्म एच सी एल उ मच मैस रिएफ्ट आफ्टर दी रिएक्शन रिएक्टेंट को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है limiting reactant निकालने का तरीका मैंने ये बताया है कि आपको गिवन डेटा में जो वैल्यूज दी गई हैं हाइड्रोजन और क्लोरिन की उन्हें आप ऊपर लिख देते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो वैल्यू नजर आ रही है हाइड्रोजन का मैस टू ग्राम और क्लोरीन का मैं 70 ग्राम उसे नीचे रख लेना है आपने अब जब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है टू और क्लोरीन की वैल्यू आती है वन हमने ये फाइनल कर लिया है कि इस तरह की जो रिलेशन आप डेवलप कर करते हैं उसके अंदर जिसकी वैल्यू कम आती है वो हो जाता है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि यहाँ पर क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्लोरीन रिएक्टेंट है लिमिटिंग और इस लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक मोल जो है वो रिएक्ट करता है उसके बाद क्लोरीन खत्म हो जाती है देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्लोरीन का एक मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के एक मोल से क्योंकि क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसलिए एक मोल रिएक्ट करने के बाद ये तो खत्म हो जाएगी तो फिर हाइड्रोजन कितना बच जाएगा हाइड्रोजन बच जाएगा वन मोल सही है जी लेकिन ये तरीका यहाँ पर समझने की हद हाँ तक तो अच्छा है अलबत् प्रैक्टिकली मुख्तलिफ़ कंडीशन में अप्लाई करने के लिए इतना अच्छा नहीं है अच्छा तरीका वो होता है जिसे आप हर हालात में बिल्कुल हाफ़ माइंड के साथ भी अप्लाई कर सकें तो यहाँ से हमने फ़ाइनल किया कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है अब हम ये फ़ाइनल करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कितनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद खत्म होगा और जितनी हाइड्रोजन इससे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी वो तो इस्तेमाल हो जाएगी बाकी हाइड्रोजन बच जाएगी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कंपैरिजन बना रहा हूं मोल्स ऑफ क्लोरीन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मोल्स ऑफ क्लोरीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर एक हों तो वो हाइड्रोजन के एक मोल से रिएक्ट करते हैं और फिलहाल हमारे पास जो गिवन डाटा उसके मुताबिक क्लोरीन का है भी एक ही मोल तो क्लोरीन का एक मोल हाइड्रोजन के एक मोल से रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा बाकी क्या बच जाएगा हाइड्रोजन के दिए कितने गए हैं दो मोल्स

फोर्टी थर्ड क्वेश्चन है टेन ग्राम नियॉन एंड ट्वेंटी लिख लेते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोग्रोज नंबर हर नियॉन में एक ही एटम होता है ट्वेंटी ग्राम कैल्शियम देखें मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर हर कैल्शियम में एक ही एटम होता है यानी कि यहां पर दोनों में बन रहे हैं हाफ मोल एटम्स और दोनों के एटम्स बीटा ऑप्शन इक्वल हैं हर एक में प्रोरोटो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं यहां पर नियॉन में 10 होते हैं और कैल्शियम में 20 होते हैं फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन देखें द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसिस हाइड्रोजन आइन्स फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप देखते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड से बनते हैं थ्री एच पॉजिटिव और साथ फॉस्फेट अब हमारे पास गिवन महस कितना है 98 मोलर महस कितना होता है फॉस्फोरिक एसिड का 98 एट मल्टीप्लाइड बाई एवोगेडोज नंबर और हर एक से कितने आइन बनने हैं तीन मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री एन ए यहाँ पर जवाब आ रहा है और एन ए की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन ट्वेंटी थ्री एल्फा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया 45th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज शोज नंबर ऑफ कार्बंस इन 90 ग्राम ग्लूकोस 90 ग्राम ग्लूकोस में नंबर ऑफ कार्बंस निकालने हैं मास है 90 मोलर मास है 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ग्लूकोस का फार्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हर ग्लूकोज में छः कार्बन एटम हैं अब इसे हल कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही है कि आप जीरो को जीरो से काट लेते हैं नाइन वन जार नाइन नाइन टू जार एटीन टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स तो ये तकरीबन एटीन पॉइंट जीरो टू टेन डिस्ट पार्ट ट्वेंटी थ्री या फिर जिसे आप 1.802 पॉइंट एट जीरो टू टेन इज टू पार्ट ट्वेंटी फोर भी कह सकते हैं वो वैल्यू आ रही है और यहां पर वो ऑप्शन बन रहा है बीटा फोर्टी फाइव में बीटा इज द राइट आंसर फोर्टी सिक्स डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लेबोरटरी वर्क में तो स्टॉप नहीं जी से रुकता नहीं है वो चलता रहता है, लेकिन उसे वो जाया होना हो जाता है. बीटा हेल्प्स रिएक्टेंट जी नहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है मैकेनिकल लॉस से आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते और चार्ली ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ये कंप्लीट नहीं करता रिएक्शन को रिएक्शन ने अपनी रफ्तार से चलना होता है तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर मैकेनिकल लॉस जब प्रैक्टिकल वर्क में हो रहा होता है तो इट डिक्रीजेज एक्चुअल हो जाती है मैकेनिकल लॉस से इन एक्सपीरियंस वर्कर से और साइड रिएक्शन या कंपीटिंग रिएक्शन से 46 में डेल्टा ऑप्शन हो गया 47 सेवन एक्चुअल ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअल वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑपटेन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्चुअली बाई एक्सपेरिमेंट ये थरेटिकली नहीं निकलती ये एक्चुअली निकाली जाती है फोर्टी एट क्वेश्चन आ गया विच टर्म इज मोस्ट अप्रोप्रियट टू डिस्क्राइब मोल ऑफ वाटर जो वाटर है वो कोवल कंपाउंड है इसलिए उसके लिए ग्राम मालिक्यूल सही ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन सही हो गया फोर्टी नाइन जीरो ऑक्यूपाई तो पहले आप स्टैंडर्ड देखेंगे कि सॉरी uh, पहले हम लिख लेते हैं कि इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं इफ़ यू हैव वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इट विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसी मीटर क्यूब सही है जनाब तो अगर जीरो पॉइंट टू फाइव मोल है तो यहाँ पर फोर से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ भी फोर से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ से आंसर आ जाता है फाइव पॉइंट सिक्स डेसी मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं जीरो पर सही हो गया again, 50th है, to, तो अगेन हमने कहा कि अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शन से क्या होता है एक्चुअल झील जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक्चुअल झील कम हो जाती है क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है वो नहीं बनता साइड प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं एंड विद दिस